हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फातिमा जीवन ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपसे हम बात करने वाले हैं झाइयाँ यानी कि प्रेगनेंटेशन। आजकल हमारे चेहरे पर झाइयाँ आ जाती हैं, किसी किसी की झाइयाँ बहुत पुरानी होती हैं, किसी किसी की एकदम शुरू होती हैं। तो लगता है कि ये देखिए झाइयाँ हल्की हल्की आने लगी है। लोग इस तरह सोचने लगते हैं कि झाइयाँ हमारे अब शुरू हो गई हैं। इसके लिए अपने फेस की, अपने स्किन की हमें टाइम टू टाइम केयर करनी होगी। इसके लिए हमें एक पौष्टिक आहार लेने की ज़रूरत होती है, हमें इसके एक अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत होती है। अच्छी डाइट का मतलब ये नहीं कि हम बहुत महंगे महंगे चीज़ ही खाएँ। अच्छी डाइट का मतलब पौष्टिक चीज़ें हों, सस्ती हों, जो अपने बजट में हो। देखिए, अच्छी डाइट का मतलब हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना होगा। सबसे पहले 8 से 10 गिलास पानी पीना मस्ट है। इसके बाद हमें एक कुकुम्बर लेना मस्ट है, एक टोमेटो, एक ऑरेंज नहीं है, एक आंवला। इन दोनों में से एक चीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। इसको अपनी डाइट में शामिल करना है, डेली हमें इसको लेना है अपनी डाइट में, इसको रूटीन में बना ही लेना है। इससे ही हमारी स्किन एकदम निरोग हो जाती है। ये जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं, झाइयाँ पड़ने लगती हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं, इन सब से छुटकारा मिल जाता है। ठीक, इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं, देखिए इसको हम किस पैक को लगाएंगे जिससे हमारी झाइयाँ चली जाएंगी। झाइयाँ बहुत पुरानी भी होंगी, पर इस पैक को लगाने के बाद आपकी झाइयाँ एकदम देखेंगे कि धीरे 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 ये रिमूव होने लगी हैं। झाइयों का कलर हल्का होने लगा है, पर हमारे अपने स्किन की केयर करने की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। जब करेंगे नहीं तो सुनने से कुछ नहीं होगा, पर करना पड़ता है, अब उसको करना पड़ेगा आपको अगर अपनी स्किन को अच्छे से फिट रखना है तो। क्योंकि जैसे अपने घर में पौधा लगाते हैं, अगर उसको हम पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे समय से, तो वो मुरझाने लग जाता है, सूख जाता है और एक दिन गिर जाता है। इस तरह टाइम टू टाइम अपनी स्किन की केयर करना है। देखिए, अब हम इस पैक को बनाएंगे। इस पैक को बनाने के लिए अब हम जो जो चीज़ें लेते हैं उसको आपको लेना पड़ेगा, और जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों का हम बता रहे हैं, टिप्स जो बताएंगे, उन सारे टिप्स का फॉलो आपको करना पड़ेगा, तभी आपको इससे रिलीफ मिलेगा। आइए देखते हैं हम क्या क्या लेते हैं इसको बनाने। इसको बनाने के लिए हमें लेना होगा एक खाली बाउल कांच का इस तरह, और लेना होगा हमको एक चम्मच दही। देख लीजिए, ये हमारे घर की दही है। घर की दही है तो बहुत अच्छा है, अगर घर की दही नहीं है तो आप मार्केट की भी ले सकते हैं। और लेना होगा एक चम्मच बेसन। अगर आपको बेसन सूट करता है तो ले लीजिए, अगर बेसन नहीं सूट करता है तो आप ले लीजिए चंदन पाउडर या जौ का आटा। जौ का आटा गेहूं के आटे की तरह ही होता है। और तीसरा चीज़ लेना है हमें कटा हुआ नींबू इस तरह। देख लीजिए, इस नींबू का जूस हमको इसी में पूरा निचोड़ देना है, लगभग एक चम्मच होना चाहिए। हमने पूरा आधा नींबू इसी में निचोड़ दिया, ये एक चम्मच लगभग होगा इसका रस। इस तीनों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह। मिक्स करने के बाद ये एकदम अच्छा सा स्मूथ पेस्ट तैयार होना चाहिए। देख लीजिए, इस पेस्ट को कितना ही लिक्विड होना चाहिए। इस तरह ये पेस्ट बन जाना चाहिए, एकदम अच्छे से मिक्स होना चाहिए। मिलाने के बाद इसको 2 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। फिर आपको हम बताते हैं कैसे अप्लाई करना है अपने फेस पर। हमें चाहिए थोड़ी सी कॉटन और रोज वाटर अपने फेस को साफ़ करने के लिए। हमारे फेस पर अगर मेकअप हो, धूल मिट्टी हो, सबको साफ़ कर लेना चाहिए। हमारा फेस क्लीन होना चाहिए इस तरह। साफ़ करने के बाद पैक को हम ले लेते हैं। एक बार फिर से हाथ से मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद तभी अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, इस तरह पैक को हम नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे। इसकी एक मोटी सी लेयर लगा लेना है। अगर आपकी झाइयाँ पुरानी हैं तो इसको डेली 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को लगाना होगा। ज़्यादा देर तक नहीं लगाना है, लगाना डेली है। अगर आपकी झाइयाँ स्टार्टिंग हैं, अभी हल्की हैं, तो हफ्ते में 2 ही दिन लगाएं, पर लगाएं ज़रूर, सुबह और शाम 2 बार लगाना होगा। इस तरह देख लीजिए, हमने जिस तरह लगाया है, इसकी मोटी सी लेयर लगा लेना है पूरे फेस पर, हर जगह लगा लेना है। इस पैक को लगाने के बाद सूखने के लिए 10 मिनट छोड़ दीजिएगा। जब 10 मिनट हो जाए, हमारा फेस सूख जाए, तब इसको गुनगुने पानी से या नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। धुल लिया हमने, देख लीजिए मेरा चेहरा कैसा है। धुलने के बाद एकदम क्लीन हो गया ये स्किन हमारी। इस तरह
इस पैक को लगाने के बाद देख लीजिए, ये आप जब लगाएंगे तो लगाने के बाद एलोवेरा जेल ज़रूर लगा लेना। अगर एलोवेरा जेल आपको नहीं सूट करता है तो कुकुम्बर जेल लगा लीजिएगा, पपाया जेल लगा लीजिए जो आपकी स्किन को सूट करता है। हमको तो यही वाला जेल सूट करता है, एलोवेरा जेल हम यही लगाते हैं। इसको लगाने से हमारी स्किन पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, स्किन हाइड्रेट रहती है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, ये डार्क सर्कल नहीं होता। दोस्तों जो बताया मैंने ये सब झाइयों के लिए है, जब डार्क झाइयाँ हो जाएं या हल्की झाइयाँ हो, दोनों के यही काम आएगा। ये पैक बहुत अच्छा है, इसको जो जो हमने वीडियो के अंदर बताया है उसी तरह इसको फॉलो करना है। और डाइट में बिल्कुल कंपलसरी है, जो जो बताया उसको डाइट में लेना ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि हमारी झाइयाँ धीरे धीरे हल्की होने लगी हैं, इसका कलर एकदम हल्का होने लगा है, लाइट हो गया है। और इसको छोड़ना नहीं है, आपको जब लगे कि हमारी झाइयाँ ख़त्म होने लगी हैं या लाइट होने लगी हैं, कुछ दिन हो गए यूज करते हुए, इसको हम छोड़ दें, छोड़ना नहीं है, इसको लेना रेगुलर है, अपनी डाइट में हमेशा शामिल रखना है। और इसको लगाना भी है रेगुलर, इसको आपको हफ्ते में 3 दिन लगाना ज़रूरी है। अगर 3 दिन नहीं लगा पाते तो 2 दिन लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप सब फॉलो करेंगे तभी आप इसका रिजल्ट अच्छा और 100% पाएंगे। अगर आप चाहें कि हम कुछ करें ना रिजल्ट अच्छा है, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको अपनी स्किन की टाइम टू टाइम केयर करनी पड़ेगी, अपनी लाइफ में इसकी हमेशा वैसे हमें बरकरार बनी रहेगी जैसे आप चाहते हैं, पर इसकी केयर करना मस्ट है। आगे आपको पता है क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाने से पहले लाइक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो ऐसी प्यारी प्यारी आपको देखने को मिले। तब तक के लिए बाय बाय।